हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कह रही हूँ टमाटर रसम की रेसिपी। काफी टेस्टी होता है और ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो थोड़ा सा खट्टा खाते हैं। पर्सनली मेरी वन ऑफ फेवरेट साउथ इंडियन रेसिपी है। दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मीन आपको सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 11 से 12 लहसुन क्लोव्स, 2 हरी मिर्च और करी पत्ता, इसको हम पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है, हमें बहुत पतला नहीं करना, बहुत महीन इसका पेस्ट नहीं बनाना। इसको हमने ऐसा पीस लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं। हमने इसको निकाल लिया है। अब हमने थोड़ी सी इमली भिगो के रखी थी, इसका पल्प निकाल लेते हैं। इसको हाथ से मैश कर देंगे। इसको हमने मैश कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। ये इमली का पल्प रेडी है। अब हमें टमाटर रेडी करने हैं। मैं यहाँ पे 4 टमाटर ले रही हूँ, इसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर देते हैं। और इसको मैं हाफ कट कर ले रही हूँ और इसको हमें मैश करना है। इसको आप छोटा छोटा भी कट कर सकते हो या फिर हाथ से मैश भी कर सकते हो। हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है, हमारा सारा सामान रेडी है। चलिए शुरुआत करते हैं। डालेंगे जिसमें मैं लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। गरम करते हैं इसको, जब ऑयल गरम हो जाएगा थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी उड़द दाल, इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। अब इसी के साथ ही मैं इसमें करी पत्ते डाल दूंगी। और 3 खड़ी मिर्च, खड़ी लाल मिर्च तोड़ के डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। हल्का सा फ्राई करने के बाद 2 पिंच हींग मिला देते हैं। और इसको हल्का फ्राई करने के बाद जो हमने ये पीस के रखा हुआ था लहसुन, करी पत्ता और हरी मिर्च, इसको मैं मिला दूंगी। और इसको लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इसको फ्राई करने के बाद हमारे पास जो टमाटर की प्यूरी है, ये जो मैश किया हुआ है, वो मैं डाल दूंगी। मिला लेते हैं और इसी के साथ ही जो इमली का पानी है वो भी हम डाल देंगे। मिला देते हैं। अब मैं मसाले डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इसको मिला देंगे अच्छे से। और इसको मैं कवर कर दूंगी 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसको देख लेते हैं खोल के। और अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 कप पानी मिला रही हूँ। हमने 2.5 कप पानी मिलाया हुआ है। मिक्स कर देंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी 4 से 5 मिनट बॉईल करने के लिए। इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने लगभग 5 से 6 मिनट तक बॉईल किया हुआ है। गैस हम स्लो कर देते हैं। तो हमारा ये रसम रेडी है। अब मैं हरी धनिया मिला दूंगी इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो ये हमारा
गर्मा गर्म टमाटर रसम रेडी है, काफी टेस्टी होता है। आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।